नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका क्रेजी मिंटू ब्लॉग्स में। माफी चाहता हूं, कल एक्चुअली मेरा बर्थडे था, 31 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है, तो मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज मैं जो है शॉप जा रहा हूं, तो आप रास्ते में आपसे बात करता रहूंगा और उस बहाने से मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि कल का टॉपिक जो है, वैसे मैं रात को ही बना देता हूँ लेकिन कल नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा बिजी रहा, तो कल बर्थडे की वजह से रात को ब्लॉग नहीं बना। अब चलिए, आज मैं गाड़ी में हूँ और शॉप तक जाने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो तब तक जो है आपसे बात करते रहते हैं। और जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है क्रिप्टो में फ्रॉड, तो उस फ्रॉड से कैसे बचें। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, और आप जितना कोशिश हो इसको वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में प्लीज कंजूसी ना करें, क्यों लग रहा है कि वीडियो तो देखा जा रहा है लेकिन कंजूसी थोड़ी की जा रही है, तो ये तो भाई मेरा हक बनता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, क्रिप्टो में हम फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए साहब, बचा जा, ये कुछ हमारी समझदारी है जिसमें हम जो है क्रिप्टो में फ्रॉड से बच सकते हैं। और वो समझदारी है कि आप देखिए, कुछ मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूँ कि आप उनको थोड़ा सा या तो नोट कर लीजिए या आप थोड़ा सा इनको कहते हैं कि रट लीजिए, आप ये मान लीजिए। पहली बात तो ये कि देखिए, आप कहीं भी कोई भी किसी भी एक्सचेंज पर पहले तो आप अकाउंट बनाएंगे, तभी देखिए आप ट्रेडिंग करेंगे या लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करेंगे, जो भी है। तो उसके लिए आप फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट बना रहे हैं तो देखिए, उस टाइम पर आपको पासवर्ड बनाया जाएगा और उसके साथ साथ आपका KYC होगा। तो KYC तो हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी बात है पासवर्ड की। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको देखिए आप कहीं ना कहीं नोट कीजिए। आपने जैसे नोट कर लिया उसको, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये कि आप मोबाइल में उसको ज़्यादा ना रखें, क्यों कई बार होता ये है कि देखिए मोबाइल हमारा जो है मिसप्लेस हो जाता है, और मोबाइल मिसप्लेस हो गया तो देखिए आपका जो पासवर्ड है वो चला जाएगा और बाई चांस आपको याद भी नहीं है तो बड़ी दिक्कत आएगी। ये तो हो गया अपना इंडियन का। तो आप कहीं ना कहीं एक डायरी बना लीजिए जहाँ पर अपनी ये सीक्रेट चीज़ें लिख लीजिए, और उनको हमेशा घर पर ही रखिए, जिससे कि आप जब चाहें तो आप घर से जो है उसको कलेक्ट कर सकें। दूसरा है आपका इंटरनेशनल एक्सचेंजों में कई बार क्या है, वहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेशन एक की मिलती है, आपको वो भी संभाल के रखनी पड़ेगी। आप उसको भी या तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए या उसको भी कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि उसमें आप जब भी लॉगिन करेंगे इंटरनेशनल एक्सचेंज में, तो वहाँ पर आपको गूगल ऑथेंटिकेटर जरूर मांगा जाएगा। और अगर आपके पास वो नहीं है तो देखिए आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और आप उसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर हैं जो आपको हमेशा लिख के रखने पड़ेंगे या उनको आप संभाल के रख लीजिए। तो एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ तो देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा इसको। सॉरी। अब ये हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने ये बना लिया, ठीक है, और पासवर्ड, गूगल ऑथेंटिकेटर की, और आपका जो भी उससे रिलेटेड OTP वगैरह है, आप ये चीज़ें कभी भी किसी को नहीं देंगे और ना ही किसी को बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये समस्या हो सकती है आपके लिए, कहीं आप जो है लॉगिन करें और तब तक हो सकता है कोई दूसरा लॉगिन करके और आपका मामला साफ कर दे। तो आप इस चीज़ से थोड़ा सा अलर्ट रहें कि आप कभी भी किसी को इस तरीके से ना दें। दूसरा, देखिए आजकल हो क्या रहा है, आजकल जो ऐप हैं वो भी लगभग हूबहू फर्जी भी आ रहे हैं, यानी जो आपका ओरिजिनल ऐप है हूबहू उसी टाइप का दूसरा ऐप भी आपको मार्केट में मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा, जब भी कोई ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं एक्सचेंज से रिलेटेड मेरा मतलब है, तो आप या तो गूगल प्ले स्टोर से कीजिए या फिर जो उनकी वेबसाइट होती है जिस भी आप क्रिप्टो को खरीदना चाहते हैं, तो उसकी देखिए कोई ना कोई एक वेबसाइट जरूर होगी। उस ओरिजिनल वेबसाइट पर उनका एक लिंक होता है, आप वहाँ से जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या उनका अपना ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पर भी वो उसको प्रोवाइड कराते हैं लिंक को, आप वहाँ से भी उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ऐप डाउनलोड करते वक्त भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि वो ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि फेक। होता क्या है, फेक अकाउंट हो बहू सेम वैसा ही होता है, हम लोग उसे डाउनलोड कर लेते हैं ये सोच के कि यही ओरिजिनल है, और हम अपना प्राइवेट डाटा सारा उनको दे देते हैं और वो सब कुछ करके काम ख़त्म कर देते हैं। तो आप इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें, आजकल ये बहुत हो रहा है, और इंडिया में तो खासकर अभी पीछे मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, काफ़ी कुछ ये फ्रॉड ऐप से ठग लिया है अब लोगों को।
ये हो गया। दूसरा ये है, अगर आपके पास ये सब, जैसे आपने सब कर लिया, उसके बाद अननेसेसरी कोई कॉल आता है या आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास OTP आया होगा, आप वो OTP दे दीजिए तो आपको इतना मिलेगा या जो भी है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल हमेशा के लिए इग्नोर कर दें, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। वो किसी ने आपके साथ फ्रॉड करने के लिए आपको भेजी है और वो कहीं ना कहीं आपको चूना लगाएगा। तो कभी भी किसी को भी कोई भी OTP नहीं देना है। अच्छा, अब यही चीज़ आती है एक्सचेंज पर भी। मान लीजिए आपने एक्सचेंज के साथ कोई आपकी गड़बड़ हो गई है, या मान लीजिए कोई फंड अटक गया है, या आपका कोई करेंसी जो है आपने परचेज करी और आपके वॉलेट में नहीं आई है, उसके लिए आपको एक्सचेंज से देखिए कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो आप एक्सचेंज से कॉन्टैक्ट जरूर करें, लेकिन उनको कभी भी टेलीफोनिकली आप कोई भी पासवर्ड या अपना कोई भी चीज़ ऐसी ना दें। अगर आपको उनको ये चीज़ प्रोवाइड करानी है तो आप उनको मेल कीजिए, उनका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है आप उस पर मेल कीजिए, तब उनको आप वो चीज़ दे सकते हैं। तो उससे ये रहेगा आपके पास भी कि हमने एक्सचेंज को दी है। देखिए टेलीफोनिकली कई बार मामला गड़बड़ हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि टेलीफोनिकली देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं रहता ऐसा कोई खास। आपने मान लीजिए अपना पासवर्ड दे दिया या कोई OTP दे दिया और वहाँ कोई वो फ्रॉड निकला, तो आपका मामला तो साफ हो गया। तो इसलिए कभी भी टेलीफोनिकली अगर एक्सचेंज से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ केवल आप उनसे जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद आप उनसे जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, और उसके आधार पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर वो सॉल्व होती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती है तो फिर आप एक्सचेंज को उसी जानकारी के आधार पर मेल कीजिए। आप मेल में आप पासवर्ड दे सकते हैं, आप जो भी अपना लॉगिन अगर वो करवाते हैं किसी तरीके से तो आप मेल में दे सकते हैं। मेल में क्या होता है कि आपका कन्फर्म है, हाँ आपने मेल जो किया है वो एक्सचेंज को ही किया है और वो बाकायदा रिटर्न में है, आप वहाँ पर वो फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। और एक्सचेंज भी इस चीज़ से मुकर नहीं सकता कि जी मुझे नहीं दिया है आपके पास, क्यों? क्योंकि वो रिटर्न में है, तो इसलिए आप वहाँ पर सेफ हैं। तो कभी भी एक्सचेंज से इस तरीके की गलती ना करें। और मैंने वो तो बता दिया किसी को OTP आपको 100% कभी भी नहीं देना। कभी आप किसी लालच में आके कि हम आपको इतना डॉलर देंगे या इतना करेंसी देंगे या आपको ये गिववे मिल रहा है, यानी इस तरीके, देखिए लालच बहुत तरीके दिए जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते इस तरह के लालच दिए जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें, और ये सब फ्रॉड होते हैं हर तरीके से। अगले पॉइंट में, आप मान लीजिए कई यूट्यूबरों को फॉलो करते हैं, वो करते भी हैं ऐसी बात नहीं है, आप देख रहे होंगे उनके कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग अपना व्हाट्सएप लिंक छोड़ते हैं, व्हाट्सएप नंबर छोड़ते हैं, ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप का आईडी छोड़ेंगे या इंस्टाग्राम आईडी आपको कमेंट करेंगे या टेलीग्राम आईडी आपको कमेंट में लिंक भेजेंगे। तो देखिए साहब, ये टोटल सब फ्रॉड होते हैं। आपको किसी का भी अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ से कीजिए। कभी भी आप 100% इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि कमेंट सेक्शन में अगर आपको आके कोई ये कहता है कि ये मेरा टेलीग्राम लिंक है या ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है या ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको $50,000 का प्रॉफिट कराऊंगा या $1,000 का प्रॉफिट कराऊंगा, तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है, स्कैमर है, और वो आपका जो है काम ख़त्म कर देगा जितना भी आपका फंड है। तो मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि आप जिसको भी फॉलो करें यूट्यूबर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके अगर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट पर कोई ये भेजता है कि आप ये टेलीग्राम है और कहे हो बहू, जैसे मेरा फोटो लगा के ही वो भेजेंगे, या जिस भी आप यूट्यूबर का फॉलो करते हैं उसका फोटो लगा के आपको भेजेंगे, तो आपको ये लगेगा जैसे ओरिजिनल है ये, लेकिन ये सब फ्रॉड होता है, सब फर्जी होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से बच के रहें, ऐसा बिल्कुल ना करें और कभी ना करें। हाँ, आपको अगर कोई ज्वाइन करना भी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जिसका भी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो देखिए हर एक बंदा जो भी यूट्यूबर है वो अपने डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ लिंक अवेलेबल करवाता है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से उस लिंक को ज्वाइन कीजिए, ना कि किसी के द्वारा इस तरीके से कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कराई हुई लिंक से, क्योंकि कमेंट सेक्शन में टोटल वो सब फर्जी लोग होते हैं और वो ठगने का ही काम करते हैं। तो आप इस चीज़ से भी थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं, सर ये आपका फ़ोटो लगा के आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप भेजा है ये आपका है क्या? तो मैं कई बार बोल चुका हूँ ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को भी अभी तक ना तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप सेंड किया है
ना ही टेलीग्राम मैं ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ, बना हुआ है लेकिन मैं किसी को ज़्यादा बोलता नहीं कि आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम मैंने आईडी कभी किसी को दी नहीं है और ना ही किसी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए, तो लोग मेरा ही फोटो लगा के और इंस्टाग्राम आईडी बना बना के लिंक भेजते हैं लोगों को कमेंट सेक्शन में। तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बच के रहें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैंने बताया कि आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक किसी भी चीज़ को ज्वाइन कीजिए, ना कि कमेंट सेक्शन में दी गई चीज़ से। अब हो गया कि आपको कोई भी फ़ोन करके बोलता है कि साहब आपका ये इतना पेंडिंग में गिव वे पड़ा हुआ है, आप हमें अपना जो है लॉगिन आईडी दीजिए। ये वही है जिन चीज़ों से ठगा जाता है, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। या आपको वो मेल करेंगे, या फ़ोन करेंगे, या मेल करेंगे और आपको लालच देंगे गिव वे का कि आपका जो है $50,000 का गिव वे पड़ा हुआ है, या आपका 1,00,000 कॉइन्स आपके ये पड़े हुए हैं जो क्रेडिट करने हैं आपके वॉलेट में या अकाउंट में, तो आप प्लीज़ इसको लॉगिन करवाइए और ये लॉगिन अकाउंट और ये सब दीजिए। तो आप ऐसी चीज़ों से भी बच के रहें, ये सब फर्जी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद क्रिप्टो में जिस जिस तरीके से फ्रॉड होता है वो चीज़ें आपको टोटल तरीके से बता दी, और सेफ्टी क्या रखनी है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो सबसे बेस्ट है कि आप हर चीज़ को अपनी जो सेफ्टी वाली चीज़ है उसको एक छोटी सी डायरी में आप नोट करके और अपने घर पर छोड़ दीजिए। आपको मोबाइल में भी ये चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, कई बार मोबाइल खो जाता है या मोबाइल हमारे पास नहीं और पता चले किसी और के हाथ लग गया और उसमें आपकी वो सारी चीज़ें सेव हैं, तो वो क्या करेगा आपका जो है सारा उसमें से लेके और आपके अकाउंट को हैक कर लेगा। तो इसलिए ये चीज़ें आप मोबाइल में भी ना रखें और वो चीज़ें आप सिर्फ लिख के और एक डायरी में घर पे छोड़ दीजिए। आपको रोज़ थोड़ी लॉगिन करना है, वो तो एक बार कर लिया फिर तो चलता रहता है। तो इसलिए आप बच सकते हैं ऐसी चीज़ों की, और ये सेफ्टी अगर अपनाएंगे तो। और जो मैंने आपको वीडियो में चीज़ें बताई हैं उनको प्लीज़ आप जो है थोड़ा सा रिमाइंड करें, थोड़ा उनको ध्यान रखें, तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। देखिए वो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी आपके ही हाथ में, अगर आप सावधानी रखेंगे तो ज़रूर आप बच जाएंगे। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो देखिए फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और आपके पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं बचेगा। देखिए साहब मैं तो जाम में फंसा हुआ हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ा बाहर का मामला। देखिए अभी ट्रैफिक देख रहे होंगे, दूर तक आपको जो है ट्रैफिक है और बड़ा स्लोली स्लोली दिल्ली में, ये तो रोज़ का काम है। देखिए दिल्ली में जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं, हम लोग तो आदी हो गए हैं इसके कि आप ये मान लीजिए दिल्ली में अगर आपको निकलना है तो ट्रैफिक के मामले में आपको आधा पौना घंटा पहले लेके चलना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल ना समझें कि दिल्ली में हैं तो ट्रैफिक बहुत स्मूथ चलता है और कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐसा नहीं है साहब। दिल्ली में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, आप ये मान लीजिए एक जगह पर एक एक घंटे भी खड़े रह सकते हैं। तो दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था तो वैसे ठीक है लेकिन दिक्कत है सारी। देखिए जो गाड़ियाँ हैं दिल्ली में, गाड़ियाँ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हैं। वो कहते हैं एक घर में चार लोग हैं तो चार ही गाड़ियाँ हैं, लोग तो आदी हो गए हैं। अब दिल्ली का ट्रैफिक तो जैसा है वैसा है, हम लोग तो उसमें रच बस गए हैं। लेकिन ये है कि हाँ आपको कहीं भी निकलना है दिल्ली में तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेकर निकलना पड़ता है। बाकी देखिए हमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं। मैंने आपको दिखाया ट्रैफिक बहुत लंबा जो है चल रहा है, बहुत धीरे 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 चल रहा है। तो देखिए वैसे नॉर्मली तो मैं एक घंटे में पहुंच जाता हूं, जब सैटरडे संडे होता है, वर्किंग डे नहीं होता, लेकिन वर्किंग डे में जो है मुझे डेढ़ घंटा भी लग जाए, दो घंटे भी लग जाए, ये हो जाता है, चलता है इतना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में आपके द्वारा सुझाए गए, और नमस्कार।